हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर प्लांट किंगडम शुरू करेंगे। प्लांट किंगडम का 6 वीडियोस आएगा हर रोज शाम के 7 बजे। तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट जाएगा, इसके बाद एक एक वीडियो में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो कुल मिला के 6 वीडियो आएगा। तो शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में एक पैरा लिखा हुआ है पिछले चैप्टर में, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जो पढ़ते वक्त मैंने बोला था कि उसके बारे में मैं इस चैप्टर में डिस्कशन करूंगा, तो वो वक्त अभी आ गया है। प्लांट किंगडम के बारे में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि प्लांट किंगडम होने के वजह से, मतलब प्लांट किंगडम में वही ऑर्गेनिज्म आएगा, प्लांट किंगडम में वही ऑर्गेनिज्म आएगा जिनमें हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बियरिंग यूकैरियोट्स, ठीक है, क्लोरोफिल बियरिंग यूकैरियोट्स को हम लोग रखेंगे किंगडम प्लांटी में, जिसको हम लोग प्लांट किंगडम कहते हैं कॉमनली। अब कुछ तो एक्सेप्शन है, मतलब क्लोरोफिल बियरिंग यूकैरियोट्स लेकिन प्रोटिस्टा में है, ऐसा तो हम लोग को पता है, यूग्लिना है ना, तो वो छोड़ दो। जो मल्टी सेलुलर क्लोरोफिल बियरिंग यूकैरियोट्स है वो आएगा इसमें, एक दो एक्सेप्शन है, जैसे क्लामाइडोमोनास क्लोरेला, वो एल्गी यूनिसेलुलर है। और क्या होगा, नंबर वन तो हो गया, क्लोरोफिल रहना ही होगा। नंबर टू, यहाँ पे जो सेल वॉल होगा वो सेल वॉल होगा सेलुलोजिक, ओके, सेलुलोजिक। सो सेलुलोजिक सेल वॉल और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किंगडम प्लांटी का। अब क्लोरोफिल है, मतलब क्लोरोफिल रहने के वजह से ऑब्वियसली ये लोग होगा ऑटोट्रॉफिक, मतलब खुद का खाना खुद बना लेगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस करके अपना खुद का खाना खुद बना लेगा। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल हमें ऐसे मिलेगा प्लांट किंगडम में, जो लोग पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक है। पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक तो होगा लेकिन कभी कभार ये लोग हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेगा। ऐसा कौन कौन सा हो सकता है, ऐसा हो सकता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसा हो सकता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, और क्या हो सकता है, जो पैरासाइटिक प्लांट्स है, पैरासाइटिक प्लांट्स है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा दिया हुआ है, दिया हुआ है ब्लैडरवर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। तो ये दो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में दिया हुआ है। ये लोग इंसेक्टिवोरस क्यों है, क्योंकि ये प्लांट जिस मिट्टी पे मिलता है उस मिट्टी पर नाइट्रोजन कंटेंट कम होने के वजह से ये लोग इंसेक्ट को पकड़ के उनके बॉडी से नाइट्रोजन ले लेता है। और पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल एक ही दिया हुआ है, वो है कस्कुटा, ठीक है। तो ये लोग पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक, ओके, ऑटोट्रॉफिक तो होगा ही क्योंकि इनका क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अगर हम लोग प्लांट किंगडम में इनका लाइफ साइकिल देखेंगे, तो इनका लाइफ साइकिल में हमें दो स्टेज जरूर देखने को मिलेगा। एक स्टेज को हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट, एक स्टेज को हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइट या फिर स्पोरोफाइटिक फेज, और एक फेज को हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट या फिर गैमेटोफाइटिक फेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी सारे डिविजन हम लोग पढ़ेंगे, 5 डिविजन्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे डिविजन में हमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेज देखने को मिलेगा। अलग अलग डिविजन में, किसी डिविजन में देखेंगे गैमेटोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी, किसी में देखेंगे स्पोरोफाइट मेन बॉडी है, ठीक है, किसी में गैमेटोफाइट बहुत ज्यादा देर तक रहेगा, किसी में स्पोरोफाइट बहुत ज्यादा देर तक रहेगा, लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेट होगा, वो सब डिटेल में हम लोग अलग अलग डिविजन के बारे में जब पढ़ेंगे वहीं पे डिस्कशन करेंगे। अभी इतना जान लो कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होगा तो वो होगा डिप्लॉयड, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होगा तो वो होगा हैप्लॉयड। ये एकदम सबसे में कॉमन है, स्पोरोफाइट बॉडी यानी डिप्लॉयड, गैमेटोफाइट बॉडी यानी हैप्लॉयड। स्पोरोफाइट बॉडी का काम क्या होगा, स्पोरोफाइट बॉडी का काम होगा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोरोफाइट का काम होगा स्पोर फॉर्मेशन और गैमेटोफाइट का काम होगा गैमेट फॉर्मेशन। ये एकदम याद रखो, बहुत आसान चीज है क्योंकि नाम में ही है, गैमेटोफाइट तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट तो वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है।
अब इसमें ऑल्टरनेशन होगा वो सब मैं आगे जाके डिस्कशन करूंगा। पहले देख लेते हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है प्लांट किंगडम के बारे में, उसमें क्या लिखा है देख लो। यहाँ पे किंगडम प्लांट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पे मल्टी सेलुलर टर्म यूज करना चाहिए था क्योंकि यूनिसेलुलर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कुछ तो प्रोटिस्टा में भी है ना। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स, जो मैंने कहा कि पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स, क्यों पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि ऑटोट्रॉफ तो होगा ही। एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइटिक प्लांट्स यानी पैरासाइट्स। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्लैडर वर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड कस्कुटा इज ए पैरासाइट, ठीक है। प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, वो तो जरूर होगा, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट रहेगा, सेल वॉल जो किससे बना होगा, सेलुलोज का सेल वॉल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल चैप्टर 8, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। और प्लांटी में क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन कौन सा डिविजन, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, जो मैंने कहा एक डिप्लॉयड होगा स्पोरोफाइटिक फेज हो सकता है और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज हो सकता है, जिसमें ऑल्टरनेशन होता है, चेंजेस होता है। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, जो मैंने कहा कि किसी प्लांट में देखेंगे कि ज्यादा समय तक हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज है, किसी प्लांट में देखेंगे ज्यादा समय तक डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज है, तो यो चेंज हो सकता है, डिविजन टू डिविजन वैरी करता है। वेदर दिस फेजेस आर फ्री लिविंग और नॉट, फ्री लिविंग मतलब क्या वो खुद से खुद का खाना बना सकता है या फिर वो दूसरे फेज के ऊपर डिपेंड रहता है, वो सब डिटेल में हम लोग बाद में आते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, यानी जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का इंटरचेंज होगा उसको हम लोग कहेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे किंगडम प्लांट किंगडम चैप्टर में, चैप्टर 3 में। अभी हम लोग चैप्टर 3 ही पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ये जो पार्ट मैंने डिस्कशन किया वो पिछले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में था। अभी हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 यानी प्लांट किंगडम चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। प्लांट किंगडम के एकदम पहले पैरा में ही लिखा हुआ है जो मैंने पहले कह दिया कि यहाँ पे यूकैरियोट्स होगा, क्लोरोफिल बियरिंग होगा, वो तो है। लेकिन जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग चैप्टर पढ़े थे तो वहां पे दो टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़े थे, एक था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, एक था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन बाद में हम लोग देखे कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन को याद करो, ये बहुत ही पुराना क्लासिफिकेशन है। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में दो किंगडम कौन कौन सा था, एक था प्लांटी, एक था किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमलिया, है ना। और ये जो क्लासिफिकेशन किया था, ये किया था बेस्ड किसके ऊपर, किसके आधार पर किया था, ये किया गया था सेल वॉल के प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर, सेल वॉल के आधार पे। तो सेल वॉल जिसमें था उसको प्लांटी में रखा गया था, सेल वॉल जिनमें नहीं था उनको एनिमलिया में रखा गया था। इसके वजह से क्या हुआ था, प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ गया था, अभी जिसको हम लोग फाइव किंगडम में पढ़ते हैं ना, फाइव किंगडम कौन कौन सा है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। थोड़ा पुराना चैप्टर याद करो, मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट है, कुछ कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट है, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सेल वॉल के आधार पर किया गया था, इसलिए मोनेरा इसमें मोनेरा, कुछ कुछ प्रोटिस्टा, सारे के सारे फंजाई और प्लांटी में जो जो है ये सारे के सारे इस किंगडम पर आ गया था। लेकिन जितना समय चलता गया इंसान का समझ बदल गया, है ना, नॉलेज बदल गया, तो उसके वजह से जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो उनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई सबको अलग अलग किंगडम में स्थान दिया गया, क्योंकि इंसान का समझ बदल गया कि प्लांटी में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा, सिर्फ सेल वॉल देखने से नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चेंजेस आया टू किंगडम से
फाइव किंगडम में। तो जितना दिन जाएगा, जितना आगे हम लोग जाएंगे और जितना ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, हो सकता है आगे जाके क्लासिफिकेशन में और भी चेंजेस आए, ठीक है। तो अभी ये जो प्लांटी किंगडम में किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या प्लांट किंगडम जिसको हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं प्लांट किंगडम, किंगडम प्लांटी यानी प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में भी क्लासिफिकेशन जो है इसमें भी बहुत सारा चेंजेस आया है। हम लोग बात करेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में। एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट का जो क्लासिफिकेशन का कोशिश किया गया पुराने दिन से, तो वहां पे सबसे पहले किया गया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन सबसे पहले था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद जितना समझ बदलता गया, हम लोग का नॉलेज जितना ज्यादा गेन हुआ, उसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और सबसे मॉडर्न कौन सा है? फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को देख लेते हैं। इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो था बेस्ड ऑन ग्रॉस ग्रॉस एक्सटर्नल, ग्रॉस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ग्रॉस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर ऊपर मोटा मोटा बाहर से दिखने में कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये क्लासिफिकेशन पूरा किया गया था फ्लावरिंग प्लांट का या एंजियोस्पर्म का। ग्रॉस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या क्या देखा गया? देखा गया हैबिटेट, देखा गया हैबिटेट, ओके, देखा गया कलर, देखा गया नंबर ऑफ लीव्स। तो ये जो कलर, नंबर ऑफ लीव्स, बाहर से दिखने में कैसा है, मतलब ये सारे के सारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देख के ही, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया गया है ना, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया गया। यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, सेक्सुअल कैरेक्टर्स या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया गया, इक्वल वेटेज, इक्वल वेटेज दिया गया। लेकिन ये क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि जो प्लांट्स का वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी वो दिखने में कैसा है, उसका लीफ कैसा है, स्टेम कैसा है, रूट कैसा है, वो तो एनवायरमेंट से कंट्रोल होता है ना। जितना भी प्लांट है वो जिस जगह पे मिलता है, उस जगह का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके ऊपर उसका एक्सटर्नल फीचर्स चेंज होता है ना, एडाप्टिव फीचर के ऊपर बेस करके। तो इस पर अगर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और इसके ऊपर बेस करके ही अगर क्लासिफिकेशन किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है, रिलेटेड स्पीशीज है, मतलब बहुत जो आसपास है वो भी अलग हो जाएगा। वही चीज इस पर हुआ, ठीक है। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज था वो अलग हो गया ड्यू टू आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया गया। ऐसे क्लासिफिकेशन कौन किया था? ऐसा क्लासिफिकेशन किया था लिनियस ने, लिनियस ने ऐसा क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने जो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यानी स्टैमेन का जो गुच्छा होता है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके कि एंड्रोशियम दिखने में कैसा है, उसके ऊपर बेस करके फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन कर दिया था। तो उससे वो सही नहीं था। तो उससे आगे जाके समझ जैसे बदला, तो तब आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या देखा गया? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों फीचर्स ही देखा गया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों फीचर देखा गया, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या देखा गया? सपोज स्ट्रक्चर देखा गया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटोमी देखा गया, एनाटोमी,
फिर एम्ब्रायोलॉजी देखा गया, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रायोलॉजी या एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट मैं लिख देता हूं, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। फिर फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो यानी प्लांट, केमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शन, तो प्लांट बॉडी में क्या कौन कौन सा केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, क्या क्या रिएक्शन होता है, तो सारे के सारे। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटोमी, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, सेल स्ट्रक्चर, सारे के सारे चीज देखकर ये क्लासिफिकेशन किया गया था, जो आर्टिफिशियल से काफी ज्यादा सही था। ऐसे क्लासिफिकेशन कौन किया था, ऐसे क्लासिफिकेशन किया था बेंथम एंड हुकर ने, बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन किया था। तो इतना समझ में आया कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से नेचुरल क्लासिफिकेशन क्यों ज्यादा एडवांस्ड है। यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल सब स्ट्रक्चर देखा गया था, यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर मोटा मोटा स्ट्रक्चर देखा गया था, तो इससे ये काफी एडवांस्ड है। उससे भी ज्यादा एडवांस कौन सा है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। यहां पे क्या देखा गया, यहां पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखा गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखा गया। इसमें कहा जाता है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म किसी सेम टैक्सा से बिलोंग करता है, अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करता है, सेम टैक्सा मतलब हो सकता है सेम डिवीजन या फिर सेम क्लास या फिर सेम फैमिली, अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा को बिलोंग करता है तो उन दोनों का एक जरूर कॉमन एंसेस्टर होगा, एक कॉमन एंसेस्टर जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस विश्वास के ऊपर बेस करके ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किया गया है। अब एंसेस्टर का जैसे ही सवाल आ जाता है तो हम लोग को मतलब पिछले जमाने में या बहुत सालों पहले इसका कोई फॉसिल रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ये सिस्टम मेनली बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड है ना, फॉसिल मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि इसका एंसेस्टर कैसा था। लेकिन फॉसिल्स तो हर वक्त नहीं मिलता है ना, तो हर जगह पे हर चीज का फॉसिल रिकॉर्ड नहीं रहने के वजह से ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये सिस्टम तीन ब्रांच के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। मतलब फॉसिल तो मेन इसका चीज है, फॉसिल मिल गया तो बहुत अच्छा, लेकिन फॉसिल नहीं मिला तो तीन चीज के ऊपर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम डिपेंड करता है। कौन कौन सा, नंबर वन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, नंबर टू साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमोटैक्सोनॉमी। ओके, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, न्यूमेरिक मतलब नंबर, ये कौन किस चीज का नंबर बोला गया है, यहां पे प्लांट्स का जितना भी सारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, सेल रिलेटेड हो, को कुछ भी हो, जितने भी सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उन सारे फीचर्स को एक नंबर या एक कोड असाइन किया हुआ है। सपोज लीफ देखने में कैसा है, इसका एक नंबर दिया गया है। स्टेम कैसा दिखने में है, उसका एक नंबर दिया गया है। स्टेम लंबा है, छोटा है, पतला है, कैसा है, उसका नंबर दिया हुआ है। एम्ब्रायो बनता है या नहीं, उसका एक नंबर दिया हुआ है। ऐसे जितने भी सारे फीचर्स होता है, सबको एक पर्टिकुलर नंबर या कोड असाइन किया हुआ है। अब ये सारे कोड डाल के कंप्यूटर बेस्ड एक प्रोग्राम बनाया गया है। अब जैसे ही कोई स्पीशीज मिलता है, वो कैरेक्टर देख के वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में उसको डाल के कंपेयर करके उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में किस चीज का नंबर का बात किया हुआ है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर का नंबर का बात किया हुआ है। हर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किया हुआ है, उससे कंप्यूटर बेस्ड एक सिस्टम बना गया है, जिस सिस्टम के ऊपर बेस करके ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। नंबर टू साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी में क्या क्या चीज देखा जाता है, साइटोटैक्सोनॉमी में देखा जाता है सेल में यूनिक कौन सा चीज है, क्रोमोजोम है ना, तो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम का नंबर और क्रोमोजोम का बिहेवियर, याद रखो साइटोटैक्सोनॉमी में तीन चीज देखा जाता है मोस्टली, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम का नंबर और क्रोमोजोम का बिहेवियर। तो ये सारे चीज देख के क्लासिफिकेशन किया जाता है। और केमोटैक्सोनॉमी में नाम देख के ही पता चल रहा है कि कौन सा केमिकल प्रेजेंट है उस प्लांट बॉडी में,
तो कैसा केमिकल मिलता है, केमिकल के ऊपर बेस करके ऐसा क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो इतना ही लिखा हुआ है, हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और उसके बाद, पहले मैं एक चीज और बोल देता हूँ, उसके बाद मैं एनसीईआरटी में आता हूँ, क्योंकि आगे जाके हम लोग जो पांच डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे उसका मैं थोड़ा दो चार चीज बोल देता हूँ। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो फाइव डिवीजन है इसका कुछ कैरेक्टर यहाँ पे याद कर लो। पहले मेन प्लांट बॉडी, जो मैंने कहा कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों फेज, किसका स्पोरोफाइट ज्यादा होगा, किसी का गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होगा, तो आपस में कैसे होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। मेन प्लांट बॉडी एल्गी में क्या होगा, एल्गी का मेन प्लांट बॉडी होगा गैमेटोफाइट, एल्गी का मेन प्लांट बॉडी होगा गैमेटोफाइट। मैंने क्या कहा था, गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, सो मेन प्लांट बॉडी होगा हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स में क्या होगा, ब्रायोफाइट्स में भी मेन प्लांट बॉडी होता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड। टेरिडोफाइट्स से लेके पूरा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तीनों, इन तीनों का मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट, इन तीनों का मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड, यहाँ पे भी स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में तीन तरीके का लाइफ साइकिल हो सकता है, एक हैप्लॉन्टिक, एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एक होता है डिप्लॉन्टिक। एल्गी का लाइफ साइकिल होता है हैप्लॉन्टिक, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, जब एल्गी का वीडियो देखेंगे कल उसमें आएगा। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें भी सेम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। फिर आता है वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम वास्कुलर टिश्यू एल्गी में नहीं पाया जाएगा, ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाएगा। टेरिडोफाइट्स पहला डिवीजन है जिसमें वास्कुलर टिश्यू का आविर्भाव होता है यानी पाया जाता है, तो टेरिडोफाइट्स में पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाएगा और एंजियोस्पर्म्स में भी पाया जाएगा, ये कहा चला गया। चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म में भी पाया जाएगा। नेक्स्ट, सीड, सीड किस पर मिलेगा, एल्गी में सीड नहीं मिलता है, ब्रायोफाइट्स में सीड नहीं मिलता है, टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं मिलता है, लेकिन सीड बनने का जो हैबिट है, सीड हैबिट, इसका प्रीकर्सर देखने को मिलता है, वो भी कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स में, सेलाजिनेला साल्विनिया, जिसमें हम लोग हेटेरोस्पोरस देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन उसके बारे में नहीं करते हैं, जब टेरिडोफाइट्स को लेकर पढ़ेंगे उस वीडियो में दिखेंगे। तो सीड्स नहीं मिलता है, हाँ, तो सीड्स नहीं मिलता है, सीड हैबिट का प्रीकर्सर देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग सीड नहीं पकड़ेंगे। एल्गी में सीड नहीं मिलेगा, ब्रायोफाइट्स में सीड नहीं मिलेगा, टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में सीड मिलेगा, एंजियोस्पर्म में भी सीड मिलेगा। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड्स मिलेगा। फ्लावर, एल्गी में फ्लावर नहीं होता है, ब्रायोफाइट्स में नहीं होता है, टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होता है, एंजियोस्पर्म्स में ही सिर्फ फ्लावर होता है। ठीक है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर मिलता है। चलो, बोर्ड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में हम लोग को सिर्फ फ्लावर मिलेगा, इसलिए हम लोग एंजियोस्पर्म को कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। अभी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। चलो, पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि वहां पे जो क्लासिफिकेशन किया था विटेकर ने, वहां पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन पांचों किंगडम में डिवीजन किया गया था। अब इस चैप्टर में हम लोग प्लांटी को लेके डिस्कशन करेंगे, जो पॉपुलरली हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. ये बहुत important line है, इसी को मैंने पहले ही explain कर दिया कि plant kingdom का जो समझ है वो जब two kingdom classification था तब जैसा था, लेकिन जितना दिन गया, जैसे two kingdom से five kingdom आया, हम लोग का plant kingdom को लेकर समझ पूरा बदल गया।
टू किंगडम के वक्त प्लांट किंगडम में हम लोगों ने किसको डाला था, जिसका सेल वॉल था, तो उससे क्या हुआ, मोनेरा, कुछ कुछ प्रोटिस्टा और फंजाई सारे के सारे आ गया था प्लांट किंगडम में, है ना। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। अभी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी से इसको एक्सक्लूड किया गया, लेकिन टू किंगडम में एक साथ था। अभी क्यों एक्सक्लूड किया गया, क्योंकि अभी हम लोग का समझ बदल गया, नॉलेज अभी ज्यादा है। दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन द सेम किंगडम। अर्लियर क्लासिफिकेशन यानी कौन सा क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये सबको एक साथ रखा गया था। सो अभी क्या हुआ, साइनोबैक्टीरिया दैट ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ये अभी चला गया मोनेरा में, तो इसको अभी हम लोग एल्गी नहीं कहेंगे, साइनोबैक्टीरिया अभी चला गया मोनेरा में, सो दे आर नॉट एल्गी एनी मोर, अभी वो एल्गी नहीं है, नहीं माना जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। ओके, लेट अस ऑल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स, जो मैंने डिस्कशन किया कि एंजियोस्पर्म का भी जो क्लासिफिकेशन है उसका भी समझ जितना टाइम गया वो भी बदलता रहा। सम ऑफ द कॉन्सर्न्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम, द अर्लीएस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो किस पर बेस्ड था, वो था ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी, यानी बाहर से मोटा मोटा कैसा दिखता है उसके ऊपर बेस करके। क्या क्या देखा गया था उसमें, हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, पत्ते का शेप कैसा है, पत्ते का नंबर कैसा है, कलर कैसा है, हैबिट कैसा है, उसके ऊपर बेस करके ये किया गया था, जिस पर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ज्यादा महत्व दिया गया था। ऑन द एंड्रोशियम, जैसे एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके लिनियस ने क्लासिफिकेशन दिया, जो मैंने बोला। तो यहां पर क्या हुआ था कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज था वो भी अलग हो गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वेटेज दिया गया था किस चीज पर, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को सेम वेटेज दिया गया था। लेकिन जो मैंने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है दे कैन बी मोरली इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर बेस करके चेंज हो सकता है। इसके लिए, इसके अगेंस्ट में कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो ज्यादा डेवलप्ड है, वो किसके ऊपर बेस करके है, नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, सिर्फ बाहर का फीचर ही देखा नहीं जाता है, यहाँ पे इंटरनल फीचर पर भी स्ट्रेस किया, मतलब एम्फेसिस किया गया है, जैसे अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटोमी, एनाटोमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। सच ए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वॉज गिवन बाई बेंथम एंड हुकर, जो मैंने नाम बोला। तो आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, उसका एक एग्जाम्पल किसने दिया था, वो है लिनियस, लिनियस का नाम यहाँ पे था ना, अभी देखा ना, लिनियस, लिनियस ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम, और नेचुरल सिस्टम दिया था बेंथम और हुकर ने। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो किस पर बेस्ड था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स between the various organisms are acceptable here. This assumes that, ये माना जाता है यहाँ पे कि organisms जो same taxa को share करता है उसका जरूर कोई ना कोई ancestor, common ancestor होगा, ठीक है। अब common ancestor का history निकालने के लिए इस किसके ऊपर बेस करना पड़ता है, इसको फॉसिल एविडेंस के ऊपर, फॉसिल रिकॉर्ड के ऊपर, लेकिन हर जगह पे फॉसिल रिकॉर्ड तो मिलता नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमोटैक्सोनॉमी, ये तीन ब्रांच के ऊपर ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या किया गया, एक नंबर या कोड दिया जाता है हर फीचर को, ठीक है, तो उससे एक डेटा बना के वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बना दिया गया, उसके ऊपर बेस करके ये क्लासिफिकेशन सिस्टम चलता है, ठीक है। देखो, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता है, किसी पांच या दस एक्सटर्नल फीचर के ऊपर बेस करके ही ये नहीं किया जाता है, बहुत सारा यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या क्या देखा जाता है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर, और केमोटैक्सोनॉमी में क्या देखा जाता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट, उस प्लांट में कैसा कैसा केमिकल पाया जाता है, इसके ऊपर बेस करके ही ये क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही,
कल शाम जो वीडियो आएगा 7 बजे उसमें हम लोग शुरू करेंगे एल्गी, फिर आएगा ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो इससे अगले आज से लेके अगले 5 दिनों में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और नया कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना है वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने का। चलो।